नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि छोटे दलों के साथ निर्दलियों और बागी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो छोटे दलों के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना सकती है। इसी को लेकर निर्दलीय और छोटे दलों के साथ पर्दे के पीछे से ताना बाना बुना जा रहा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के अनुमान का औसतन आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 42 से 45 सीटें मिलने का अनुमान बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 से विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन 5 विधायकों को मनोनीत करने के अधिकार उपराज्यपाल के पास भी हैं और इसी तरह बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 का हो जाता है। ऐसे में कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दलों में बहुत जादुई आंकड़ा जुटाने की कवायद अभी से ही काफ़ी तेज़ देखी जा रही है, ताकि नतीजे के बाद वक्त ख़राब ना हो सके। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि उसे जम्मू संभाग इलाके में कुल 43 विधानसभा सीटों में से 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैन और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरेगी ही और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार में गठन में कोई भी भूमिका नहीं होगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बनाने का फार्मूला भी रख रहे हैं और कैसे बहुमत का नंबर जुटाएंगे, इसको लेकर जम्मू संभाग क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के साथ साथ घाटी में निर्दलीय और छोटे दलों के साथ आने का दावा भी किया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा 7 स्थानीय पार्टियां और भी निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़े हैं। चुनाव के बाद छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को राज्य के अंदर सत्ता की दिशा तय करनी है और कश्मीर संभाग में जिस तरह के चुनाव वोटिंग पैटर्न रहा है उससे चलते भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि पीडीपी बहुत अच्छा नहीं कर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन भले ही सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में वो भी नहीं पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है दरअसल कि जम्मू संभाग से 32 से 35 सीटें जीत ली जाएं और उसी की सरकार बन जाए। कश्मीरी संभाग की सीटों की बात करें तो एग्जिट पोल में पीडीपी के बहुत पीछे रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने लिए संभावनाएं देख रही है। दरअसल कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की उपस्थिति के बीच छोटे दल, बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सत्ता की तस्वीर पलट सकती है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी नतीजों में इसी की उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार बनने के लिए सियासी विसात भी बिछानी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि 28 सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों को समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के संभाग इलाके की सीटों पर निर्दलियों को समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के मुताबिक अगर पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो बिना देरी किए निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जीते विधायकों के बूते सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने यह बताया है कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने ये भी कहा ये पार्टी के स्तर पर नहीं बल्कि वो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसके लिए हमारे जान पहचान के नेता चुनाव लड़े भी हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि निर्मल सिंह ने कि सिर्फ हम ही नहीं पार्टी के बाकी लोग भी मिशन में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जिस तरह से चुनाव पूर्व गठबंधन होता था उसी तरह मतगणना से पहले भी चर्चाएं हो सकती हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये कहा है कि हम चुनाव नतीजे का इंतजार में बैठे नहीं रहना चाहते, बल्कि सरकार बनाने की दिशा में एक्सरसाइज शुरू कर दिए, जिसको लेकर कश्मीर घाटी के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 7 संपर्क में बनाए रखने की हमें पूरी उम्मीद है जिन्होंने चुनाव में हमें समर्थन किया। उनका ये भी कहना है कि कश्मीर क्षेत्र में जिन निर्दलियों को समर्थन किया है उनमें से 10 से 15 जीत कर आएंगे। इस तरह जम्मू संभाग की भारतीय जनता पार्टी की 35 और कश्मीर संभाग में निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
उधर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जम्मू संभाग से कम 35 सीटें जीत ली जाएं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। राज्य में 5 मनोनीत विधायक और नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनय उपराज्यपाल के द्वारा किया जाना। ऐसे में निर्वाचित सदस्यों की तरह इन्हें भी मतदान समेत सभी अधिकार प्राप्त होंगे और इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या बढ़कर 95 और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि मनोनीत विधायकों के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाई जाए, जिसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों पर है जो कश्मीर संभाग से चुनाव लड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नज़र जमात इस्लामी और रशीद इंजीनियर की पार्टी आवामी इत्याद पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर बनी है। ऐसे में चुनावी नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दलों को साधने की कवायद करेगी और इसके बाद जरूरी हुआ तो साथ आने की राह आगे बढ़ाई जाएगी। जिसके अलावा चुनाव में जमात इस्लामी के कई सदस्य निर्दलीय चुनाव मैदान में किस्मत को आजमा रहे हैं और इनमें से कई मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर जीतने में सफल रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी राह आसान हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कश्मीर संभाग से जीत की संभावनाएं वाले निर्दलीय नेताओं पर पूरा फोकस केंद्रित कर रखा है। इसमें राशिद इंजीनियर, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद और कुछ निर्दलीय शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 8 मध्य कश्मीर और 15 सीटों में से 6 उत्तर कश्मीर और 16 सीटों में से 5 के उम्मीदवार उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है वहां पर निर्दलियों के पीछे से समर्थन किया है और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रफीक बानी ने खुले तौर पर ये दावा किया है कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे साथ हैं। उन्होंने इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद को अपना बताया। सज्जाद लोन का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही 2014 में लेने में सफल रही थी और पीडीपी के साथ सरकार बनाई गई थी। इस बार भी ये माना जा रहा है कि ये सभी छोटे दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये विश्वास जताया है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी यानी कि पीडीपी उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है और पीडीपी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में धर्म निरपेक्ष सरकार के अंदर पीडीपी अहम भूमिका निभाएगी और इसके लिए हिस्सा भी बनेगी। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी नेता के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस एनसी गठबंधन में शामिल होने को तैयार। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी बात है कि पीडीपी हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम सभी एक रास्ते पर हैं। नफरत को हमें ख़त्म करना है और जम्मू कश्मीर को एकजुट रखना। ऐसे में ये देखना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद किसकी सरकार बनेगी और कौन किस तरह से सरकार बनाता हुआ नज़र आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।